तो यार जब भी प्लेसमेंट सीजन आता है उस टाइम पे स्टूडेंट्स का हमेशा से क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इस बार कितना हाईएस्ट पैकेज गया है, किस कंपनी ने दिया है। तो जी हाँ, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस बार के जो प्लेसमेंट्स हुई है इसमें अभी तक कितना हाईएस्ट पैकेज गया है, कौन सी कंपनी ने दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ बात करेंगे कि भाई क्या फैंग कंपनी चितकारा में आती है कि नहीं आती है। जी हाँ, हमेशा क्वेश्चन रहता है कि भाई क्या फैंग कंपनीज आती है कि नहीं आती है, आती है तो क्या पैकेज देती है। तो आज की इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यार फैंग कंपनीज चितकारा में आती है कि नहीं आती है, उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि फैंग कंपनीज होती कौन कौन सी है। जी हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होगा तो मैं आपको बता दूं, फैंग का मतलब होता है फेसबुक, अमेज़न, एप्पल, नेटफ्लिक्स एंड गूगल। जी हाँ, इन कंपनीज को फैंग कंपनीज बोला जाता है। बेसिकली एक स्टॉक उसके बेस पे यानी ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। तो अब बात आ जाती है क्या ये चितकारा में आती है। जी हाँ, सारी की सारी नहीं आती है, लेकिन अमेज़न आती है, वो भी मुझे जैसे सीनियर्स ने बताया था एक साल छोड़ के, तो पिछले साल नहीं आई थी। अब इस बार का देखते हैं आती है कि नहीं आती, क्योंकि अभी तक तो नहीं आई है, ठीक है। लेकिन अब बहुत से यार लोगों को ये रहता है कि अगर फैंग कंपनीज में जाना तो कैसे जाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि पर्सनल जो ये टेस्ट कंडक्ट करती हैं। जी हाँ, अब उसके लिए आपको पहले मैं बता दूं यार, वो छोड़ो, टेस्ट देने से पहले आप ये तैयारी करो कि इसके लिए क्या क्या स्ट्रॉन्ग करना है, कौन कौन से बातें। मैं आपको बता दूं, DSA आपको बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। अगर आप DSA स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आप आराम से अमेजोन वगैरह में चले जाओगे, मतलब जितनी भी फैंग कंपनीज है या जितनी भी एमएनसीज है टॉप की, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह। अब एक इसमें मैं चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि आपको मालूम है यार कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक बार लिखा गया था कि हाईएस्ट पैकेज इतना गया है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट में। जी हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ उसकी रियलिटी क्या है, क्योंकि उसमें जो लड़की जो हाईएस्ट पैकेज वाली थी ना माइक्रोसॉफ्ट वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, तो उसने जब एग्जाम दिया था तो उसके साथ साथ मेरा एक फ्रेंड है काफी क्लोज, उसने भी उसी के साथ एग्जाम दिया था। जी हाँ, उसका नहीं हुआ था, वो TCS में, लेकिन उसने मुझे बताया था कि ऐसा कुछ नहीं होता है, उन्होंने ऑफलाइन नहीं मतलब ऑफ कैंपस ही अप्लाई किया था, ठीक है। और उसके लिए वो टेस्ट के लिए जब गए थे तो वहाँ पे वो भी लड़की उसके साथ ही थी और वो उसके थ्रू वहाँ पे सेलेक्ट हुई थी। जी हाँ, मतलब कि जो इनकी प्लेसमेंट्स होती है वो ऑफ कैंपस ही मोस्टली रहती है, क्योंकि यार ये मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि ये IITs वगैरह से उठा लेती है जिनके इतने स्टूडेंट्स इनको चाहिए होते हैं। तो अब बात आ जाती है कि भाई सिलेबस में क्या क्या करना, तो भाई डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आपको अच्छे से करने और कुछ प्रोजेक्ट्स भी आपको अपनी प्रोफाइल में रखने होंगे, क्योंकि इनके बहुत से राउंड होते हैं, 5-6 राउंड होते हैं और ये हर एक चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं यार, तो आपको ये सारी चीज़ें तैयार करनी है। अब बात आ जाती है कि भाई DSA सीखना कहाँ से, तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ अनअकैडमी लाइव शोज होस्ट करता है वीकली। जी हाँ, जिसमें आपको बताया जाता है कि इंडस्ट्री में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, जो गूगल एप्पल जैसी बड़ी कंपनीज उनकी एप्लीकेशन के पीछे क्या थॉट प्रोसेस है, ठीक है, क्या उनका आर्किटेक्चर का प्रोसेस है, वो सारा बताया जाता है। साथ ही साथ आपको बताया जाता है कि आप अपनी कोर्स की रैंकिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हो। जी हाँ, बात आई थी इनको होस्ट कौन करते हैं, जो इसमें होस्ट करते हैं जी हाँ, वो सारे एप्पल गूगल वगैरह में काम कर रहे होते हैं। जी हाँ, और उनकी 7-स्टार वो कोर्स शेफ की रैंकिंग है। जी हाँ, तो उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस, आपको कुछ समझ में आ रहा होगा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद वो कितनी अच्छी से डिटेल में आपको हर एक चीज़ बताएंगे। तो यार इनमें और ये साथ ही साथ आपको इन एपिसोड में ये भी बताएंगे कि भाई कौन से स्टार्टअप की कब हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला, क्या उनका हायरिंग प्रोसेस है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने चाहिए, टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में भी आपको बताते हैं। जी हाँ, साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा कि ये इनका वीकली जो चार्ट है, कैलेंडर रहता है, वो ये है। यार अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा 999 रुपीज का, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड नीतीश शर्मा यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो 899 रुपीज का हो जाएगा। तो अब बात आई थी यार चितकारा के इस बार का हाईएस्ट पैकेज कितना गया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो चितकारा में इस बार हाईएस्ट पैकेज गया वो 39 लाख रुपीज का गया है। जी हाँ, और ये जो पैकेज दिया ये एडोबे ने दिया है। जी हाँ, ये कंपनी इस बार सिर्फ लड़कियों के लिए आई थी, ऐसा हर कंपनी का अपना क्राइटेरिया रहता है, कई बार लड़कियों को प्रेफरेंस देना पड़ती है, ठीक है, तो उसमें भी उन्होंने उसको प्रेफरेंस दिया और लड़की ने 39 लाख रुपीज का पैकेज इसमें ग्रैब करा है। जी हाँ, अभी और आगे जितनी भी डिटेल्स रहेंगी हाईएस्ट पैकेजेस की वो मैं शेयर करता रहूंगा, लेकिन अभी तक का जो है मैंने आपको बता दिया, अभी ये प्लेसमेंट चलती रहेंगी यार। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और साथ ही साथ आप प्लेसमेंट्स को लेकर अपडेट चाहते हैं चितकारा यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो उसके लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। दिल से मैं दिल से दोस्तानी जय हिंद।